नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। दरअसल इस बार सुब्रमण्यम स्वामी ने तमाम मुद्दों को लेकर ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोला और सरकार की नैतिक जिम्मेदारियों पर भी सवाल खड़े किए। सुब्रमण्यम स्वामी ने गिरती अर्थव्यवस्था, एलएसी पर चीनी घुसपैठ और कोरोना वायरस की दूसरी लहर को भी लेकर सरकार पर निशाना साधा। सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को किए अपने ट्वीट में लिखा, 2016 के बाद से अब तक किसी ने भी देश की गिरती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं ली है, ना ही किसी ने 1993 में एलएसी को लेकर हुए समझौते का उल्लंघन होने से रोका। भारतीय क्षेत्र की जमीन को चीन द्वारा घेरे जाने से रोक पाने में नाकाम रहने की जिम्मेदारी नहीं ली। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा, ना ही किसी ने कोरोना के दूसरे वेरिएंट से निपटने के लिए बचाव की योजना ना तैयार कर पाने की जिम्मेदारी ली। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा हो। वो पहले भी कई बार इस तरह सरकार को निशाने पर ले चुके हैं। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी कई मौकों पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी उनके कई ट्वीट सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन चुके हैं। अपने पिछले ट्वीट में बीजेपी सांसद ने पीएमओ पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह पीएमओ ऑफिसर ट्विटर पर मुझ पर निशाना साधने के लिए आईटी सेल के द्वारा कंप्यूटर जनरेटेड ट्वीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पैड हैक्स के नाम पर वो गंदे ट्वीट के जरिए मुझ पर हमला कर रहे हैं। जैसा व्यवहार वो लोग मेरे साथ करेंगे वैसा मैं उनके साथ भी करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।